दोस्तों आज हम बना रहे हैं तिल पापड़ी, जिसको तिल चक्की या तिल पट्टी भी कहा जाता है। और ये देखिए, देखने से ही आपको पता चल रहा होगा कि कितनी बढ़िया बनी है, एकदम से बारीक और पतली बनी है। ये देखिए, इसकी साइड से आपको पता चल रहा होगा कि इसकी मोटाई कितनी है। और ये देखिए, और इसको तोड़ने से ही पता चलता है कि ये कितनी क्रिस्पी और क्रंची बनी है। ये देखिए, बहुत ही बढ़िया बनी है दोस्तों, एकदम करारी करारी तिल पापड़ी किस तरह से बनाते हैं आज हम इस वीडियो में देखेंगे। और आज हम इसको दो तरह से बनाएंगे, गुड़ वाली और चीनी वाली। तो आइए दोस्तों, बिना देर किए स्टार्ट करते हैं रेसिपी और देखते हैं तिल पापड़ी कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हमको यूज़ करनी है गुड़ की तिल पापड़ी के लिए। तो आधी कटोरी तिल और आधी कटोरी ही गुड़ मैंने लिया है और एक चम्मच घी लिया है। तो दोस्तों यहाँ पर गुड़ और तिल की क्वांटिटी हमने बराबर रखी है। तो सबसे पहले हम एक पैन ले लेंगे और पैन में हमको तिल ड्राई रोस्ट करना है। तो जितने भी तिल हमने लिए हैं वह यहाँ पे हम इसमें डाल देते हैं और इसको लगातार चलाते हुए ड्राई रोस्ट करेंगे। यहाँ पे हम इसको लगातार चलाते जाएंगे। यहाँ पे गैस का फ्लेम धीमा रखिएगा और जो तिल है उनको रोस्ट होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और जब तिल रोस्ट हो जाते हैं तो उसमें से इस तरह से आवाज़ आने लगती है, ये तिल की पहचान है कि वो रोस्ट हो गए हैं। इस स्टेज पे गैस का फ्लेम बंद करके इसको एक प्लेट में ट्रांसफर कर देते हैं और वापस से इस पैन को गैस पे रख देंगे। थोड़ा सा इसमें घी डाल देंगे, लगभग एक छोटी चम्मच, और जैसे ही घी मेल्ट हो जाएगा जो गुड़ हमने निकाल के रखा है वो इसमें डाल देंगे। और लगातार चलाते हुए इस गुड़ को हम मेल्ट करेंगे। एक से दो मिनट में ही ये मेल्ट होने लग जाएगा इस तरह से। और जब उसमें से इस तरह से बीच में से आप देख सकते हैं बबल्स निकलने लग जाए, तो इस स्टेज पे आप जो तिल सेक कर रखे हैं वो इसमें सारे डाल देंगे। अब मैं इसमें थोड़ी सी पिस्ता की कतरन डाल रही हूँ। तो दोस्तों ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, अगर आप ना डालना चाहें तो ना डालें, या फिर और कोई ड्राई फ्रूट डालना चाहते हैं तो वो डाल सकते हैं। और इसको हम लगातार चलाते जाएंगे और इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है इस स्टेज पे। और ये देखिए, अच्छे से इसको मिक्स करते जाएंगे और इस तरह से इसको पलटते जाइए और आप देखेंगे कि इसका एक बाइंडिंग सा बनता जा रहा है। और इस स्टेज पे गैस का फ्लेम बंद कर दीजिए और जो सरफेस है उस पर घी लगा दीजिए। घी लगाना बहुत ज़रूरी है, उससे तिल पापड़ी आसानी से निकल जाएगी। और जिस बेलन से आपको बेलना है उस पर भी घी लगा दीजिए। तिल और गुड़ का जो मिक्सचर है उसको हम इस तरह से सरफेस पे डाल देंगे। ये प्रोसेस आपको बहुत जल्दी जल्दी करनी है क्योंकि इसको हमको गरम गरम में ही बनाकर रेडी करना है। बहुत जल्दी ठंडी होते ही ये कड़क हो जाएगी। इसको बेलने के लिए आप चकली का या थाली के पिछले हिस्से का भी यूज़ कर सकते हो। आप चाहें तो इसको हाथों से टच कर सकते हैं, हाथों में भी ये नहीं चिपक रही है। और अब हम इसको बेलना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों इस तरह से इसको लगातार चारों तरफ से बेलते जाइए, गरम गरम में ही इसको बेलकर हमको रेडी करना है। और ये देखिए, हमने इसको बेलकर रेडी कर लिया है। अब जब तक ये थोड़ी नरम है तब तक हम इसमें इस तरह से चाकू से चाक लगा देते हैं, ताकि जब तक ये नरम है तब तक आसानी से चाक लग जाते हैं। तो जितनी बड़ी आपको पट्टी काटनी है उस तरह से आप चाक लगा दीजिए इसमें, और इसके साइड्स के कॉर्नर्स को भी हटा दीजिए। ये देखिए, गुड़ की तिल पापड़ी भी कितनी बढ़िया बनी है। ये देखिए, बहुत ही आसानी से तिल पापड़ी हमारी निकल जा रही है। और ये देखिए कितनी बढ़िया बनी है। कोई कह सकता है कि गुड़ की है और हमने इसको घर में बनाया है। ये देखिए कितनी बढ़िया बनी है और इतनी सॉफ्ट और इतनी पतली बनी है, एकदम परफेक्ट। तो देखा आपने कितना आसान है घर में गुड़ की तिल पापड़ी बनाना। और ये देखिए, बहुत ही हेल्दी तिल पापड़ी बनी है। इसकी चमक देखिए, कोई कह सकता है कि ये गुड़ से बनाई है हमने, और एकदम बारीक तिल पापड़ी बनकर रेडी हुई है। एकदम परफेक्ट लग रही है ना दोस्तों। थोड़े से टाइमिंग का और कुछ चीज़ों का ध्यान रखने से तिल पापड़ी एकदम परफेक्ट बनती है। चलिए अब बनाते हैं चीनी वाली तिल पापड़ी। तो यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया है और इसमें डाल रही हूँ एक छोटी चम्मच घी, और इसमें ऐड कर रही हूँ आधी कटोरी चीनी, और इसको हम लगातार चलाते जाएंगे और चलाते चलाते इसको मेल्ट करना है। यहाँ पे गैस का फ्लेम हमको धीमा रखना है और ये देखिए इस तरह से लगातार चलाते हुए इसको हमको मेल्ट करना है। और आप देख सकते हैं धीरे धीरे से ये जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा ये मेल्ट होना शुरू हो रहा है। चीनी और गुड़ की तिल पापड़ी दिखने में दोनों सेम होती है, लेकिन खाने में बहुत ही फर्क होता है। और चीनी की तिल पापड़ी बनाना गुड़ की तिल पापड़ी से भी आसान होता है, क्योंकि ये बहुत आसानी से बन जाती है, थोड़ी सी स्टिकी कम होती है। और ये देखिए, आप देख सकते हैं धीरे धीरे चीनी पूरी तरह से मेल्ट होना शुरू हो गई है। कुछ लोग इसमें घी का यूज़ नहीं करते हैं, पर घी का यूज़ करने से जो तिल पापड़ी है बहुत ही सॉफ्ट बनती है, मतलब एकदम क्रंची बनती है। और जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए, इसमें बिल्कुल भी क्रिस्टल ना रहे, तब इसमें मैं डाल रही हूँ आधी कटोरी रोस्ट किए हुए तिल। तो यहाँ पे तिल और चीनी की क्वांटिटी भी हमने बराबर ली है, और जल्दी जल्दी इसको मिक्स कर देते हैं ताकि अच्छी तरह से ये मिक्स हो जाए। मैं इसमें कुछ क्रश किए हुए काजू के टुकड़े डाल रही हूँ। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, अगर आप ना डालना चाहें तो ना डालें।
ये प्रोसेस आपको बहुत ही फटाफट से करना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत जल्दी से टाइट होना शुरू हो जाएगी। और अब जल्दी से फ्लैट सरफेस पे हमने घी जिस पे लगा रखा है वहाँ पे हम इसको डाल देते हैं। तो पहले से यहाँ पे घी लगा के रखना है और जो बेलन हम यूज़ करेंगे उसके ऊपर भी घी लगा के रखना है। और यहाँ पे बिल्कुल भी देर नहीं करनी है, जल्दी से इसकी पापड़ी बेलना है। आप जितनी जल्दी करेंगे पापड़ी उतनी ही बारीक बनकर तैयार होगी। बेलन पे अगर ये चिपक रही हो तो बेलन के ऊपर भी अच्छे से घी लगा दीजिए और इसको फटाफट से बेल दीजिए। काफ़ी सर्दी है इसलिए ये बहुत जल्दी से टाइट हो रही है। गुड़ की तिल पापड़ी की अपेक्षा शक्कर की तिल पापड़ी जल्दी जम जाती है और इसलिए यहाँ पे जल्दी से हमको चाक लगाने हैं। ये देखिए जल्दी जल्दी से मैं चाक लगा रही हूँ और ये देखिए सारे कॉर्नर्स के ऊपर चाक भी लगकर तैयार हो गए। और चीनी की दिल पापड़ी बहुत ही जल्दी से जम जाती है, ये देखिए काफ़ी अच्छे से ये जम जाती है। और ये देखिए एकदम परफेक्ट तिल पापड़ी बनकर तैयार हो गई है। आप इसके कॉर्नर्स देख सकते हो, ये साइड की है इसलिए अभी इसके कॉर्नर गोल भी है एक तरफ से। और ये देखिए मैंने जल्दी से इनको निकाल लिया है, निकाल कर प्लेट में रख दिया है और बहुत ही बढ़िया परफेक्ट तिल पापड़ी बनकर तैयार हो गई। मिनटों में बनकर तैयार हो जाती है, बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और ये देखिए मैं आपको इसको तोड़कर दिखा रही हूँ कितनी कुरकुरी और क्रिस्पी बनकर तैयार हुई है। ये देखिए तोड़ने से ही आपको लग रहा होगा ना कि कितनी क्रंची और क्रिस्पी बनी है। तो दोस्तों आई होप ये तिल पापड़ी की रेसिपीज़ आपको पसंद आई होगी और आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे और आप भी घर पे बहुत ही बढ़िया सी तिल पापड़ी बनाएंगे। तो दोस्तों इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। आई होप ये रेसिपीज़ आपको पसंद आई होगी। तो फ्रेंड्स इसी तरह की और भी इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ के साथ मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।